जब भी रम पीने की बारी आती है ना, हम लोग बहुत चूजी हो जाते हैं। हम लोग पर्टिकुलर एक ब्रांड के साथ चिपक के रहते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते। जब भी जाऊं, जहां भी जाऊं, भाई वही ब्रांड चाहिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग ना बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं एक स्पेसिफिक ब्रांड के साथ। मान लेता हूँ कि आपने ज़िंदगी में शुरुआत किए थे कोई एक ब्रांड के साथ, तो उसमें आपका मन पड़ा रहता है, आप हमेशा उसी ब्रांड को ढूंढते हैं। फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इंडिया आजकल आपको बहुत बेहतरीन वर्सिटाइल्स रम डिलीवर कर रहा है। एक बार आँख उठा कर देखिए तो आपको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे जो वैल्यू फॉर मनी है और एक्सेलेंट रम प्रोवाइड करा रहा है। सो व्हाट आई एम सजेस्टिंग यू, बी एक्सपेरिमेंटल, थोड़ा बहुत ना ट्राई कीजिए अलग अलग रम को। और उसी सिलसिले को बढ़ाते हुए मैं आज आपको एक बेहतरीन रम रिकमेंड करने वाला हूँ, जिसको मैं खुद बोलता हूँ ओल्ड मॉन्क का बाप। जी हाँ, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं टेस्ट कर चुका हूँ और तब जाके बोल रहा हूँ। सो इस रिव्यू को देखिए, आपको पता चल जाएगा। यू मस्ट ट्राई समथिंग अननोन ब्रांड बट वैल्यू फॉर मनी। तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैं न्यू ब्रांड के ऊपर क्यों भरोसा करूं, किस आधार पे भरोसा करूं? तो फिर मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं हूँ ना, मैं नए नए ब्रांड के ऊपर बहुत रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करने के बाद मुझे अगर सेटिस्फैक्शन मिलती है तब जाके मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उन सब रम को। तो मैं ये कैलेंडर रम आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मैं आज इस ब्रांड का रिव्यू करूँगा। आपको एक छोटा सा हिंट दे दूं कि इस रम में क्या खासियत है। इस रम को ब्लेंड किया गया है रिच कैरिबियन दिमिरारा रम से, और इसके कारण ये जो ब्लेंड है ना, ये बिल्कुल अलग हो जाते हैं। फ्रेंड्स, दिमिरारा रम के बारे में शायद आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो मैं हूं ना। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और करते हैं आज कैलेंडर प्रीमियम रम का रिव्यू। क्या हुआ यार, आजकल आप लोग लाइक करना भूल जाते हो और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो। यार वीडियो अच्छा लगता है तो यार एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, कैलेंडर रम को बनाते हैं ADS स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड। आपने ADS का बहुत सारा प्रोडक्ट ऑलरेडी पी चुके हैं। एक एग्जाम्पल दूंगा, रॉयल ग्रीन व्हिस्की, जो इंडिया में तहलका मचा के रखा है। बाय द वे, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, तो आप अगर चाहे तो आई बटन में क्लिक हो रहा है वो भी देख सकते हैं। तो ऑलरेडी कंपनी के पास बहुत अच्छा एक रेपुटेशन है और उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक यूनिक रम इंट्रोड्यूस किया गया है मार्केट में, और वो है कैलेंडर रम। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस विद कैलेंडर रम एंड अदर रम्स? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ADS स्पिरिट आर ऑलवेज इनोवेटिव। The company always tries to deliver something different. This time they choose perfectly balanced rum made by a meticulous fusion of rich Demerara rum from the Caribbean region and premium Indian spirit. और आप लोग तो जानते ही हो कि कैरेबियन रीजन का ये जो छोटे छोटे आइलैंड है, इनका कंट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रम इंडस्ट्रीज के लिए। बट हम इंडियन का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा रम पीने में, है ना। सो दिस रम इज समथिंग विच यू कैन नॉट इग्नोर। द ओरिजिनल पैलेट ऑफ बैलेंस्ड टेस्ट एंड फाइन एज ब्रिंग द बेस्ट ऑफ इंडियन एंड कैरेबियन रीजन To your evenings. चलिए बॉटल एंड पैकेजिंग के बारे में आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत। देखिए, अगर पैकेजिंग की तरफ नजर करेंगे तो देखिए ये जो ब्राउन एंड ऑफ वाइट कलर है, ये एक अमेजिंग स्टाइलिश लुक देता है इस रम को। चलिए आराम से बॉटल को पहले निकाल लेते हैं। एक मोनोकार्टन बॉक्स में इस रम को दिया जाता है, और अगर मैं बॉक्स के बारे में डिटेल बताऊँ तो यहाँ पर लिखा है टाइमलेस स्पिरिट एंड एज इन ओक कास्क। तो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है इस कार्टन में, अगर पढ़िएगा तो बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा पास में रखता हूँ और बॉटल को एक बार देखिए। एक यूनिक स्टेडी लुक देता है इस बॉटल को। यहाँ पर भी वही सेम थीम को अप्लाई किया गया है, ब्राउन एंड ऑफ वाइट को। आप अगर नोटिस करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है प्रीमियम रम। जी हाँ, एक प्रीमियम कैटेगरी में ये रम आते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल प्राइस में। आप अगर प्राइस सुनिएगा तो यू नो चौंक जाइएगा, मैं बताऊंगा ना, थोड़ा सा धीरज रखिए। तो अगर देखा जाए तो ये बार्टेंडर को नज़र में रखते हुए इस मतलब बॉटल को डिज़ाइन किया गया है। अगर आप देखेंगे जो नेक है, नेक भी आपको बहुत कंफर्टेबल ग्रिप देते हैं, साथ साथ यू नो बॉटम भी बहुत बेहतरीन आपको ग्रिप प्रोवाइड कराता है। तो बॉटल शानदार है, यहाँ पर प्लास्टिक को इस्तेमाल की गई है।
तो मैं बोलूंगा इट्स लुक रियली एलिगेंट। बार बार मैं बोल रहा हूँ, प्राइस सुनिएगा तो चौक जाइएगा, तो बने रहिए। तो ये था बॉटल डिजाइन। सो इस रम में धीमी रडर रम को यूज किया गया है, तो थोड़ा बहुत जान लीजिए कि क्या है ये धीमी रडर रम। धीमी रडर रम एक बहुत ही स्पेशल रम है जो बनते हैं गुआना में, और ये रम फेमस है इसका सिग्नेचर टेस्ट के लिए। काफ़ी स्मोकी एंड वुडी कैरेक्टर के साथ आते हैं, और साथ साथ बहुत कॉम्प्लेक्स भी होती है। जो नॉर्मल रम होता है उसमें मोस्टली आपको वनीला एंड कैरमल का नोट ज़्यादा मिलते हैं, बट ये जो रम है ये बिल्कुल अलग है। मैं बोलूँगा टोटली डिफरेंट एंड यूनिक है, विद द एक्स्ट्रा लेयर ऑफ वुडीनेस, स्पाइसीनेस एंड स्मोकीनेस जो इस रम में कॉम्प्लेक्सिटी को ऐड करते हैं। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ब्लेंड में क्या है, अंदर में क्या है, किस किस इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके इस बेहतरीन रम को बनाया गया है। आप देखिएगा जो ब्रांड अक्सर पीते हैं उसमें ना बहुत कुछ हाइड किया रहता है, बट ब्रांड ने ये कुछ भी हाइड नहीं किया, सब क्लियर रखा है आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ स्मूथ एंड फुल बॉडीड रम। दिस ओरिजिनल रेसिपी इज परफेक्टली बैलेंस्ड रम अचीव्ड बाई अ मेटिक्युलस फ्यूजन ऑफ रिच धीमी रडर रम फ्रॉम द कैरिबियन रीजन एंड प्रीमियम इंडियन ग्रेन स्पिरिट। और इस कैरिबियन रम को हैंडपिक्ड ओक बैरल में मैच्योर किया जाता है, जिससे इस रम में काफी सारा कैरेक्टर बाद में ऐड होते हैं। द फाइनली एज ब्लेंड रिफ्लेक्ट्स द पैशन ऑफ मास्टर ब्लेंडर टू क्राफ्ट अ परफेक्टली बैलेंस्ड रम मेड बाय मेटिक्युलस ब्लेंडिंग ऑफ द फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स। सो इन सब के कारण आपको मिलती है एक ओरिजिनल पैलेट ऑफ बैलेंस टेस्ट एंड द फाइन एज ब्रिंगिंग द बेस्ट ऑफ इंडियन एंड कैरिबियन टू वंस इन योर इवनिंग। जैसे कि मैं आपको बार बार बताया था कि इसका जो प्राइस है वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, सिर्फ 450 में, 450 में आपको ये रम मिल जाएगा। अभी पैन इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, स्लोली ये लॉन्च हो रहा है, तो इंतज़ार कीजिए कुछ पलों का, कुछ क्षणों का, तब जाके आ रहा है ओल्ड मॉन्क का बाप आपके शहर में। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दिए, अभी मैं टेस्ट करूंगा और टेस्ट करके बताऊंगा कि ये रम कैसा बना है। हालांकि मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूं, तो चलिए सील को तोड़ते हैं और पोर करते हैं। मैं 30 ml पोर करूंगा। बाय द वे याद रखिएगा, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और अल्कोहल जो बना है ना ये मतलब इंजॉयमेंट के लिए, ना कि इंटॉक्सिकेशन के लिए, तो भाई प्लीज़ ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। कलर का अगर बात करूं तो मैं बोलूंगा डार्क कलर है, डीप महगनी मैं बोलूंगा। और इसका विस्कोसिटी को थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा लाइट है, मैं बोलूंगा मीडियम बॉडीड रम, क्योंकि इसका जो टीयर्स है बहुत क्विकली नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये मैं बोलूंगा मीडियम रम है। तो चलिए फिर नोज कर लेते हैं। स्मूथ, जी हाँ, जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यूजुअली बजट फ्रेंडली जो रम्स इंडिया में मिलते हैं वहाँ पर वो स्मूथ नेचर है ही नहीं, कहीं ना कहीं ये काफ़ी स्मूथ लगते हैं। इसका जो अल्कोहल का भपका है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू एनी रम आप पकड़ लो। अब मैं अगर स्पेसिफिकली कुछ नोट्स का बात करूँ तो वनीला का नोट्स मुझे मिल रहा है, मुझे कहीं ना कहीं रेजिन जो है ना किसमिस का मुझे नोट मिल रहा है। अगर कुछ स्पाइसी नोट का बात करूं तो मुझे ना ब्लैक पेपर का नोट मुझे मिल रहा है, ब्लैक पेपर का। हाँ, वनीला मैं हर पल डिटेक्ट कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो जो वुडन बैरल को इस्तेमाल की गई है उससे वनीला बड़ी मात्रा में आई है इस पर्टिकुलर रम में। थोड़ा सा स्मोकी चार्ड ओक का नोट भी मुझे मिल रहा है। देखिए एक बजट फ्रेंडली रम, बट उसमें कितना सारा कैरेक्टर है, आप अगर प्रॉपर तरीके से नोस कीजिएगा तो आपको सारे कैरेक्टर इंडिविजुअली मिलेंगे। तो चलिए अभी सीप करते हैं। यहां पर भी मैं बताऊंगा कि अल्कोहल बर्न हल्का है, आप फील कर सकते हो, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रहा है मैं फील कर पा रहा हूं, बट कहीं ना कहीं ये आपको एक मीठापन दे देता है इंस्टेंटली।
आप जैसे सिप करते हो तो आपका जो सलाइवा है इतना भारी मात्रा में जनरेट होता है कि आपको कहीं ना कहीं एक स्वीट रम लगता है। साथ साथ कॉफ़ी नोट जो है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ता है। इवन मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ मोका का टेस्ट, मतलब चॉकलेटी टेस्ट मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। कुछ बेरी फ्रूट्स को मैं डिटेक्ट कर पा रहा हूँ। साथ साथ ये ना काफ़ी ऊडी बन जाते हैं जब आप सिप कर लेते हो। और अगर फिनिश का बात करूँ तो मैं बोलूँगा हल्का फ्रूटीनेस के साथ साथ लिटिल स्पाइसी नोट आपको फिनिश में देकर जाते हैं। एंड ऑफकोर्स ये एक स्मूथ राम है जो मैं तो फील कर पा रहा हूँ। फ्रेंड्स देखिए ये अपना अपना तजुर्बा है, कैसे और किस तरीके से आप रम को पीते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये कितना स्मूथ लगेगा। मैं आपको ये तो बता सकता हूँ कि मैं बहुत सारे ब्रांड को पी चुका हूँ, बट मैं इसको काफ़ी आगे रखना चाहूँगा। और जैसे मैं बोलता हूँ कि इस ब्रांड को मैं आगे रखूँगा तो सब ना अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं, फ्रेंड्स क्या करूँ, मैं एक अल्कोहल इंथूसियास्ट हूँ, अक्सर एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है आपके सामने पेश करता हूँ। आप कुछ भी समझ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या करूं भाई, मेरा यही जॉब है। आइए कंक्लूशन में आते हैं और थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं इस राम के बारे में। पहले मैं बोलूंगा इस सेगमेंट में और इस प्राइस पॉइंट में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट राम। सेकेंडली मैं बोलूंगा कि इस एट्रैक्टिव पैकेजिंग विच कैन एट्रैक्ट योर आइस। थर्ड में मैं बताऊंगा कि इट्स कंप्लीटली अ यूनिक ब्लेंड विच यू नेवर एक्सपीरियंस्ड इन योर लाइफ। आपने कभी भी दिमिरारा राम टेस्ट नहीं किया तो ये दिमिरारा राम के साथ आया, तो यूनिक ब्लेंड हुआ ना, तो इसीलिए इसको मैं काफी आगे रखूंगा। एंड यस ये काफी अफोर्डेबल प्राइस में आपको ऑफर करती है तो यूनिक बन जाती है इसके कारण भी। एंड फाइनली आप किसी को भी एक गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं इस बेहतरीन रम को। कोई फ्रेंड अगर है जो रम एंथुसियास्ट है, रम ड्रिंकर है, उनको आप इसको गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे बहुत जल्द एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली एंड डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। जय हो।